हेलो वंस अगेन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, और जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, तो उसमें हमें क्या कैसे अप्लाई करनी है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर एंड ऑपरेटर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर फॉल्स आ रहा है लेफ्ट ऑपरेंड हमारे एंड ऑपरेटर का, तो ओवरऑल जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लेफ्ट ऑपरेंड हमारा 0 हो जाता है ऑपरेटर का, तो पूरा ओवरऑल जो भी हमारा एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम 0, दैट मीन्स फॉल्स। ओके, एंड जो हमारा और ऑपरेटर है उसमें शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लेफ्ट ऑपरेंड हमारे ऑपरेटर का ट्रू होता है, तो हम पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दैट इज 1। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, सो लेट्स सी वन बाय वन। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, ए एंड बी। ए की वैल्यू हमने ली है 10, बी की वैल्यू ली हमने -1। ठीक है, तो इसके जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें बेसिकली दो हमारे पास इफ एंड एल्स है। तो इस केस में इफ कंडीशन क्या बताती है कि अगर इफ में जो अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इफ की कंडीशन में अगर वो ट्रू होता है, तो जो हमारा इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में एज वाला पार्ट हमारा इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये चेक करना है कि जो इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इफ कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, और हम साथ में शॉर्ट सर्किटिंग का भी ध्यान रखेंगे कि हमें पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी भी केस में हमें हम श्योर हो जाते हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम फर्दर उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ए हमारा क्या है यहाँ पे, इफ कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे वन बाय वन वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो जैसे कि ए है, ए क्या है हमारा, यहाँ पे वैल्यू क्या है ए की, 10 है। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, 10 इज नॉट इक्वल टू 10 फॉल्स हो गया। तो ये पूरा जो हमारी ये वाली कंडीशन है, ये क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब फॉल्स के साथ क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये शॉर्ट सर्किटिंग में पढ़ा था कि अगर एंड ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स हो जाता है, तो हमें ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम शॉर्ट सर्किट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जीरो एंड विद एनीथिंग विल बिकम जीरो बाय द एंड। ओके, सो फॉल्स को अगर हम एंड ऑपरेटर के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो पूरा ही एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा ये जो बी इज इक्वल टू 1 -1 है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वी कैन स्किप दिस पार्ट। और जो ये पूरी इफ कंडीशन है, हमें पता चल जाएगा कि ये जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है इफ कंडीशन की, वो फॉल्स आ रही है। दैट मीन्स इफ का जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है, दैट मीन्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर ये केस है, तो जो हमारा कंट्रोल है वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, एल्स ब्लॉक में, और एल्स वाला जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो एल्स ब्लॉक इज प्रिंटेड। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है, वो आउटपुट क्या आ रही है, क्योंकि हमारा इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो एल्स कंडीशन में हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, और हमारे पास क्या आउटपुट आई, हेलो एल्स ब्लॉक इज प्रिंटेड। ओके, आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई की है, हमने फर्स्ट पार्ट इफ का चेक किया, फर्स्ट पार्टी हमारा फॉल्स हो गया, और हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि फॉल्स एंड विद एनीथिंग विल बिकम फॉल्स बाय द एंड, तो ये पूरा ही एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। दैट इज व्हाई हमने बी इज इक्वल टू -1 इवेल्युएट नहीं किया। जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिखा भी है कि बी इज इक्वल टू -1 इज नॉट इवेल्युएटेड एज ए इज नॉट इक्वल टू 10 इज फॉल्स, क्योंकि ए हमारे पास 10 ही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो
तो इस एग्जांपल में मेरे पास हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारी सेम चीज़ है, इफ एंड एल्स के ब्लॉक हैं। इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे कि इफ कंडीशन का जो एक्सप्रेशन है हम उसको चेक करेंगे कि वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर इफ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम एल्स ब्लॉक को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो चेक कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है, इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वन इज इक्वल टू वन, ट्रू है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये क्या हो गई, यहाँ पे इधर लिख देते हैं हम इसको, ट्रू हो गई। ऑलराइट, ट्रू, ट्रू के साथ हमारा ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। अब हमें पता है कि ट्रू एंड विद एनीथिंग विल डिपेंड ऑन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग हमारी एंड ऑपरेटर के केस में उसी टाइम अप्लाई हो सकती है अगर लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स है। फॉल्स एंड विद एनीथिंग विल बिकम फॉल्स, बट ट्रू के केस में इट विल डिपेंड ऑन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, तो हम राइट ऑपरेंड चेक करेंगे यहाँ पे। राइट ऑपरेंड क्या है, सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीमेंट दो तरह का होता है, प्री एंड पोस्ट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या है, प्लस प्लस, या सपोज अगर डिक्रीमेंट ले रहे हो तो आप माइनस माइनस। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, उसके बाद हमारा वेरिएबल आता है। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वेरिएबल आता है उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होता है। बट डिफरेंस क्या है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है पहले वो हमारी इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद उस वैल्यू को हम जिस भी एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसके बाद ही यूज़ करेंगे। मीन्स वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद हम एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि अगर आपका जो वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है अगर वो किसी एक्सप्रेशन में है तो उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है पहले वो यूज़ होगी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में वैल्यू यूज़ होने के बाद जो हमारा वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद यूज़ होगा एक्सप्रेशन में उस वैल्यू का, पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू हम पहले एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे उसके बाद वैल्यू वेरिएबल की इंक्रीमेंट होगी। सेम इज़ द केस विद डिक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस है, दैट मीन्स इट इज़ पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल की वैल्यू ओरिजिनल वाली यूज़ करेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है। ठीक है, वन हो गई, तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू ट्रू, राइट, ट्रू। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मीन्स कि इफ की कंडीशन जो हमारी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसको भी तो हमें करना है, हमने अभी सिर्फ वैल्यू यूज़ किया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट होके सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू ओरिजिनल यूज हो रही है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने। उसके बाद हमारे पास क्योंकि इफ की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट एफ यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सी विल इंक्रीमेंट एज देर इज नो शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं, हमने पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, इसीलिए जो सी की वैल्यू है वो, ये यहाँ पे आप प्रिंट कुछ भी करवा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है जिससे हमें क्लियर भी हो जाए कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग जो है हमारी नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आउटपुट है, वैल्यू ऑफ सी विल इंक्रीमेंट as there is no short circuiting, okay? और यहाँ पे हमारा else वाला part execute नहीं होगा क्योंकि if वाला part हमारा satisfy हो गया। ठीक है, next example देख लेते हैं हम। तो next example में क्या है, हम एक variable use कर रहे हैं x, x की value हमने ली है one। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक condition है, if condition, if condition में x use हो रहा है, x की वैल्यू हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, वन। नाउ वन और इसके साथ ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, और ऑपरेटर। तो यहाँ पे वन इज
ट्रू। और अब यहाँ पे देखो, हमने और के शॉर्ट सर्किटिंग में पढ़ा था कि जब हमारा और ऑपरेटर यूज हो रहा है, और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो उस केस में हम पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम स्किप कर देंगे उसको, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और पूरा एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ट्रू और विद एनीथिंग विल बिकम ट्रू। ठीक है, तो हम जो राइट ऑपरेंड है इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंटफ, क्योंकि ये हमारा पूरा इफ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ और ऑपरेटर इज ट्रू, दैट इज वाई द होल एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू। तो ट्रू हो गया, दैट मीन्स इफ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। इफ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद द कंट्रोल विल एंटर इन इफ ब्लॉक, उसमें जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ परसेंटेज डी एक्स, मीन्स कि एक्स की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। ठीक है, तो आउटपुट हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारा राइट ऑपरेंड इवेल्युएट ही नहीं हुआ है, लेफ्ट ऑपरेंड क्योंकि हमारा ट्रू आ गया, और ट्रू के साथ हमारा और ऑपरेटर लगा हुआ है, दैट इज वाई द होल एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू। ओके, उसके बाद है हमारी फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में हम सेम वही सेकेंड एग्जाम्पल वाली एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें क्या है, ए बी एंड सी हमने तीन ऑपरेटर्स वेरिएबल्स लिए हैं, इफ एंड एल्स की कंडीशंस हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो ए हमने क्या लिया है, 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगी, पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू, राइट। तो ट्रू, और अब यहाँ पे फिर से क्या होगी, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ट्रू है, तो हमारा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा राइट ऑपरेंड क्या है, द होल एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ट्रू और विद एनीथिंग विल बिकम ट्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट ट्रू आ गया, और ऑपरेटर के साथ ये पूरा ही एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मीन्स द इफ कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हमारा जो कंट्रोल है इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, और क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सी विल नॉट इंक्रीमेंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग की है, हमने सेकेंड ऑपरेंड जो है और ऑपरेटर का, और द राइट ऑपरेंड हमारा जो है और ऑपरेटर का, वो हमने इवेल्युएट ही नहीं किया है, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है यहाँ पे, दैट इज वाई ये जो सी की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट ही नहीं हुई, वो पार्ट हमारा इवेल्युएट ही नहीं हुआ। तो क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सी विल नॉट इंक्रीमेंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, हमारा पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट ही नहीं हुआ, इसलिए हमने सी को इंक्रीमेंट नहीं किया, और एज वाला पार्ट हमारा यहाँ पे इवेल्युएट नहीं होगा, क्योंकि हमारी इफ कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई है, और इफ वाला जो ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसकी बात आती है हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, हमने फाइव वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो फाइव वेरिएबल्स, अभी सेम चीजें करनी है, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि हमारा एक्सप्रेशन गिवन है उसमें शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई हो रही है, अगर कहीं पे हो रही है तो हम जो रेस्ट पार्ट है एक्सप्रेशन का वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे पहले एक्सप्रेशन है आई, आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल में हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू को यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन में वैल्यू यूज़ होने के बाद हमारा वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1, इंक्रीमेंट बाद में होगा, -1। एंड अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, एनीथिंग एनीथिंग अदर देन 0 इज टेकन एज ट्रू और दैट इज 1। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू है, 0 नहीं है बट वो, तो उसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं, चाहे वो -1 है -2 है, तो उसको हम ट्रू ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो गया, ट्रू के साथ एंड हो रहा है, बट यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू
के केस में, एंड के केस में डिपेंड करेगा कि राइट ऑपरेंड क्या है, ठीक है? तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा इसका राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड में क्या है, जे प्लस प्लस, यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो जे की वैल्यू पहले ओरिजिनल आएगी यहाँ पे, जे माइनस माइनस, और पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होगा। इसके बाद माइनस वन है सेम, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके, ट्रू के बाद फिर से एंड वाला केस है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। एंड के केस में हम शॉर्ट सर्किटिंग तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर एंड ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स आता है, ठीक है? उसके बाद के, के की वैल्यू हमारे पास अगेन माइनस वन है, माइनस वन, और उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो माइनस वन को हम ट्रू ही लेके चल रहे हैं। तो ये पूरा जो है हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ओवरऑल ट्रू आ जाएगा, राइट? ये ट्रू हो गया, ये पूरा हमारा यहाँ तक का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ट्रू के बाद हमारे पास और ऑपरेटर है। अब ट्रू और यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू आ गया, तो हम राइट साइड को इवेल्युएट नहीं करेंगे और पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी? तो हमारी सिर्फ इवेल्युएशन कहाँ तक हुई है, इस पार्ट तक इवेल्युएशन, ये वाला पार्ट हमने इवेल्युएट नहीं किया है ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। अब यहाँ पे देखो, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट अभी नहीं किया था, बट एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट कर चुके हैं, अब हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो माइनस वन में इंक्रीमेंट किया, जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? एल प्लस प्लस ये इवेल्युएट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट सर्किटिंग हो गई थी यहाँ पे, तो इवेल्युएशन ही नहीं हुई है एल प्लस प्लस की, तो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो हमारी वैल्यूज कौन सी चेंज हुई है, सिर्फ आई जे एंड के की, ठीक है? और हमारा एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एम की वैल्यू हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है पूरे की, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे ट्रू आ गई थी, इसीलिए एम विल बिकम वन, ठीक है? तो आउटपुट क्या आ रही है हमारी यहाँ पे एंड में, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू फाइव, एंड एम इज इक्वल टू वन, ठीक है? अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आई है, तो हम इसके साथ की और एग्जाम्पल्स करेंगे अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल सिक्स। यहाँ पे हमने स्लाइटली चेंज कर दिया अपने वेरिएबल्स के वैल्यूज को। यहाँ पे देख लेते हैं, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस है माइनस वन, ठीक है? माइनस वन इज ट्रू, ट्रू एंड फिर से हम राइट ऑपरेंड चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। अगेन माइनस वन, दैट मीन्स ट्रू, ओके, ट्रू एंड के प्लस प्लस, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो, अब यहाँ पे जीरो आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है? एनीथिंग एंड विद फॉल्स विल बिकम फॉल्स, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है? फॉल्स हो गया, फॉल्स के बाद हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर, अब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू होता और के केस में, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते थे कि ये ट्रू है, बट यहाँ पे फॉल्स है, तो फर्क यहाँ पे राइट हैंड ऑपरेंड क्या है हमारी राइट हैंड साइड का, उस पर डिपेंड करेगा कि और इस पूरे एक्सप्रेशन की जो आउटकम है वो क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं राइट ऑपरेंड क्या है, एल प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, तो एल क्या है हमारा, फाइव है, एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है? तो बट फॉल्स और विद ट्रू विल बिकम ट्रू, ठीक है? तो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू आ गया, दैट मीन्स वन, तो एम की वैल्यू वन हो गई यहाँ पे, ठीक है? एल प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो जाएगा सिक्स, के प्लस प्लस भी हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, तो वन, जीरो, जीरो, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई, जीरो, जीरो, वन, सिक्स, वन, ओके। इसके बाद है हमारी सेवन्थ एग्जाम्पल। सेवन्थ एग्जाम्पल में भी सेम एग्जाम्पल है, बस वैल्यूज चेंज है। तो यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस, आई हमारी जीरो है। अब देखो, यहाँ पे पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज हो रही है पोस्ट इंक्रीमेंट में, बट वैल्यू क्या है, फॉल्स है, राइट? तो फॉल्स एंड, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई होगी, क्योंकि फॉल्स आ गया लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ये पूरा पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा,
ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड चीज देखेंगे और ऑपरेटर, क्योंकि हमें यहाँ तक ही करना है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पूरा इतने ही एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी। इसके बाद और ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो फॉल्स और ये हमें यहाँ पे भी राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्स के केस में हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर और ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो एल प्लस प्लस, एल प्लस प्लस हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू 5 है, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, 5 मीन्स ट्रू। तो एम की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल आ गई ट्रू, दैट मीन्स 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या इंक्रीमेंट हुआ था, आई इंक्रीमेंट हुआ था, इवेल्युएट हुआ था, तो आई 1 हो जाएगा। जे प्लस प्लस हमारे पास इवेल्युएट ही नहीं हुआ तो इसको हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। के प्लस प्लस भी हमारा इवेल्युएट नहीं हुआ तो ये भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। एल प्लस प्लस हमारा इवेल्युएट हुआ था तो इस केस में 5 हो जाएगा, 6। और एम की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 -1 -1 6 एंड 1। ओके, एट्थ एग्जाम्पल है हमारी। इसमें क्या है, हमने आई प्लस प्लस लिया है, आई क्या है, 0 है। अब यहाँ पे 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स एंड विद एनीथिंग विल बिकम फॉल्स। ठीक है, तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। बट यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ट्रू, इसके बाद कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, और ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे ट्रू यूजिंग, ट्रू किसके साथ यूज हो रहा है, और ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे अगेन इससे फर्क नहीं पड़ेगा एंड द फुल जो आउटकम है हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ओके, तो हमारा देखो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन फिर से इवेल्युएट नहीं हुआ, सिर्फ आई प्लस प्लस इवेल्युएट हुआ है, इसलिए आई इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट हमारा नहीं होगा, और के के भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो शॉर्ट सर्किटिंग हो गया था, के प्लस प्लस के इवेल्युएट ही नहीं हुआ है। तो वैल्यूज क्या आ गई, 1 -1 1 1। ठीक है, उसके बाद है हमारे एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में हमारा क्या है, इफ कंडीशन है, और यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं विद और ऑपरेटर, ए और बी और सी और डी अप टू सोन। इसके बाद क्या लगा हुआ है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इन सभी वेरिएबल्स में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 आती है तो पूरा ही एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर है। ठीक है, सपोज ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो 1 मीन्स ट्रू, राइट, ट्रू और विद एनीथिंग विल बिकम ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज सी हमारा ट्रू आ गया तो सी के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम इवेल्युएट नहीं करेंगे। तो इस केस में जैसे ये इसकी एग्जांपल शो हुई है इसमें कि इसकी एडवांटेज शो हो रही है इस एग्जांपल में कि जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो हमारा टाइम सेव करता है। कितना टाइम सेव हो जाएगा, हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को सोल्व ही नहीं कर रहे हैं, हमने इसको स्किप कर दिया इस पार्ट को, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है अगर किसी केस में ट्रू आ रहा है तो हमें नीड ही नहीं है राइट ऑपरेंड सोल्व करने की, क्योंकि हमें फॉर श्योर पता है कि इसकी जो आउटकम होने वाली है, जो एंड रिजल्ट आने वाला है, वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। अदर देन दिस हमारे पास एग्जाम्पल एडवांटेज एक तो टाइम सेव कर रहा है शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा इसमें हम स्किप कर देते हैं अपना कोई इवेल्युएशन का पार्ट। सपोज जो पूरा एक्सप्रेशन है हम उस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इवेल्युएशन ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है उस एक्सप्रेशन में कहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो। जैसे हमने अभी अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि किसी केस में के इंक्रीमेंट नहीं हुआ, किसी केस में जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वो पार्ट स्किप हो गया। तो टाइम सेव करने के साथ साथ हमारी जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो कुछ इवेल्युएशन का पार्ट हमारा स्किप भी करती है, तो उससे हमारे पूरे एक्सप्रेशन पे, पूरे प्रोग्राम पे और जो एंड रिजल्ट आने वाला है उस पर फर्क डालता है। जैसे कि उसमें हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा कि
वहां पे वैल्यूज ही नहीं चेंज हुए क्योंकि इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ जे एंड के जो वेरिएबल्स थे हमारे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, हमारा स्किप हो रहा है इवेल्युएशन का पार्ट। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो हमारी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।